हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर वन, कंप्यूटर नेटवर्क. इन माय प्रीवियस पार्ट आई हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क. नेटवर्क क्या होता है? कनेक्ट होना, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस पार्ट में. जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है, देन इसके एडवांटेज भी बताए थे कि इससे एक ही नेटवर्क से बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाते हैं और टाइम भी कम लगता है और अमाउंट भी सेव होता है हमारा. ऑलराइट, और हम लोग गेम्स भी खेल सकते हैं इसमें. ऑलराइट, देन ट्रांसमिशन मीडिया, मैंने आपको बताया था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मीडिया को ट्रांसफ़र करना, डेटा को ट्रांसफ़र करना. इसके भी टू टाइप्स थे, फिजिकल एंड वायरलेस. फिजिकल जो हमें दिखाई देते हैं और वायरलेस दिखाई देते हैं, इन द सेंस जैसे हमारा टेलीफोन हुआ, ठीक है, या फिर टीवी केबल हुआ. ये हमें दिखाई देता है जो वायर से कनेक्टेड है, पर जो हमें दिखाई नहीं देते वायर से, जो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड है, वो क्या कहलाएंगे? वायरलेस मीडिया, जैसे कि मोबाइल फोन्स. ठीक है, देन नेटवर्क डिवाइसेस मैं आपको पढ़ा रही थी, जिसमें मॉडम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हब एंड स्विच, ब्रिज एंड गेटवे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. ठीक है, नाउ कम्स द रूटर. रूटर क्या होता है? रूटर, जैसे हम लोग ट्रैफिक पुलिसमैन देखते हैं, हमने देखा ट्रैफिक पुलिसमैन. ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है? वो जहाँ भी ट्रैफिक ज़्यादा होता है उसको डाइवर्ट करता है ट्रैफिक को. ठीक है, एक एरिया को रोकता है, एक तरफ से रोकता है लोगों को, दूसरे तरफ से निकालता है लोगों को. ठीक है, तो ट्रैफिक इकट्ठा नहीं होने देता है. उसी तरह रूटर का काम ट्रैफिक पुलिसमैन जैसा है. ठीक है ना, वो क्या करता है? इट डायरेक्ट्स नेटवर्क ट्रैफिक. जो नेटवर्क ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है, जैसे जब हम डेटा सेंड करने वाले होते हैं तो बहुत सारा डेटा, मतलब डेटा टाइनी पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है. अब कहाँ पे भेजें? बहुत सारा डेटा होता है और कहाँ कहाँ भेजा जाएगा, तो सारे डेटा को सेम पाथ पे नहीं भेजते हैं. ठीक है, अलग अलग पाथ पे भेजते हैं, और जब वो डेटा फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तब उसे ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है वो. ओके, तो रूटर समझ में आ रहा है, ये ट्रैफिक पुलिसमैन जैसा है जो डेटा को इकट्ठा नहीं होने देता, नेटवर्क ट्रैफिक जमा नहीं होने देता, उसको डिवाइड कर देता है. ठीक है, देन टाइप ऑफ नेटवर्क. अब नेटवर्क आर जनरली कैटेगराइज इनटू फोर पार्ट्स. नेटवर्क के फोर टाइप्स होते हैं, देखो, पैन, लैन, मैन और वैन. इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. तो पैन, सबसे पहले हम पैन पढ़ते हैं. पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क. नाउ नेम इज सजेस्टिंग द थिंग दैट पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब पर्सनल एरिया, पर्सनल डिजिटल डिवाइसेस हमारी कनेक्ट होती है. जैसे कंप्यूटर हो गया, हमारा पर्सनल होता है, मोबाइल फ़ोन हो गया, या फिर हम सबको दे देते हैं, मेरा कंप्यूटर ले जा आज तुम काम कर लेना, मेरा मोबाइल फ़ोन आज दो दिन के लिए तुम रख लो. ऐसे थोड़ी करते हैं, वो हमारा पर्सनल है. तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे प्रिंटर हुआ, तो 30 फीट की रेंज के अंदर या एक स्मॉल ऑफिस के अंदर जो नेटवर्क यूज़ होता है वो कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क. ठीक है, देन लैन. लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क. नाउ लोकल एरिया नेटवर्क मतलब ये भी पर्सनल कंप्यूटर्स को ही कनेक्ट करता है, वर्क स्टेशंस को कनेक्ट करता है, दूसरी डिवाइसेस को, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, इनको कनेक्ट करता है. पर जैसे एक बिल्डिंग में या एक पूरे स्कूल कैंपस में या हमारा होम कितना बड़ा होता है उसमें. ठीक है, तो पैन तो हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो लिमिटेड एरिया में, स्मॉल एरिया में, स्मॉल ऑफिस में 30 फीट के एरिया में यूज़ होता है जो नेटवर्क. ठीक है, वो पैन हो गया. और थोड़ा सा लोकल एरिया नेटवर्क मींस एक बिल्डिंग में, एक स्कूल के एरिया में, कैंपस में. ठीक है, वो जहाँ जब चीज़ें कनेक्टेड होती है वो किससे कनेक्ट होती है? लैन से. लोकल एरिया नेटवर्क, ये अंडरलाइन करो सब. पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है. लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है, मैन. मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. नाउ मेट्रोपॉलिटन इंटरकनेक्ट यूजर विद कंप्यूटर रिसोर्सेज इन अ ज्योग्राफिकल एरिया लाइक अ सिटी. जैसे एक सिटी में अगर नेटवर्क कनेक्ट करना है, कंप्यूटर्स को एक पूरी सिटी में अगर कनेक्ट करना है, तो वो कहलाएगा, वो कौन सा नेटवर्क से कनेक्ट होंगे? मैन से. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क थोड़ा सा वास्ट एरिया होता है. ठीक है, जैसे स्कॉटिश मैन कॉल्ड फैटमैन लिंक यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर स्कॉटलैंड विथ फाइबर ऑप्टिक केबल्स. अभी एग्जाम्पल दे रखा है बेटा,
कि स्कॉटलैंड में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी वो सारी कनेक्ट हुई थी। तो एक पर्टिकुलर एरिया, एक सिटी है, एक जगह है, उसके सारे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो एक साथ कनेक्ट हुई है। कौन से नेटवर्क से होगी? वो मैन से। तो पैन क्या हो गया? स्मॉल ऑफिस में यूज़ होता है। लैन एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में, जैसे बिल्डिंग हो गई, स्कूल हो गई, ठीक है। मैन होता है एक पर्टिकुलर सिटी में, ठीक है। एंड वैन, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, अंडरलाइन करो। ओके, देन वैन आर स्प्रेड ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। जो लॉन्ग ज्योग्राफिकल एरिया में स्प्रेड होता है जो नेटवर्क, वो कहलाता है वैन। तो हम जो पूरे वर्ल्ड में जो नेटवर्क यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? जैसे टेलीफोन लाइन्स हो गए, सैटेलाइट लिंक्स हो गए, वो वैन होते हैं। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर इससे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू हम ईमेल कहीं से भी कहीं भी शेयर कर सकते हैं, तो वो नेटवर्क कहलाता है वैन। वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत वास्ट होता है ये। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मतलब होता है नेटवर्क। नाउ नेटवर्क के बेस पे डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू नेटवर्क आर अरेंज। कैसे कैसे हम डिवाइसेस को अरेंज करते हैं ये बताएंगे, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क में बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, डिवाइस को किस तरह से कनेक्ट करेंगे। नाउ देखो, फर्स्ट है बस टोपोलॉजी। नाउ बस कैसी होती है? हम सबको पता है बस रेक्टेंगुलर शेप की होती है, ठीक है ना। तो आपको जो पिक्चर दिख रही है उसमें दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर शेप का बना हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल केबल। एक सेंट्रल केबल होती है, लाइन दिख रही है आपको, ये सेंट्रल केबल है। इससे ऑल द नॉड्स आर कनेक्टेड, सारे कंप्यूटर्स इससे कनेक्टेड होते हैं। दिख रहा है पिक्चर में पीसी, प्रिंटर सब कुछ मेन केबल से ही कनेक्ट है। ये मेन केबल है और पीसी है, कंप्यूटर है, कुछ भी चीज़ है, प्रिंटर है, सारी चीज़ मेन केबल से कनेक्ट होती है। ये सबसे चीपेस्ट होता है, ठीक है। बट इट इज़ ऑल्सो अनरिलायबल, क्योंकि अगर मेन केबल ख़राब हो जाए, ये अनरिलायबल होता है, ज़्यादा इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर एक मेन केबल ख़राब हो गई तो पूरा नेटवर्क ख़राब है। अगर यहाँ से कुछ ख़राब हुआ तो ना तो ये कंप्यूटर चलेगा, ना ये कंप्यूटर चलेगा, ना प्रिंटर चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी या लीनियर टोपोलॉजी किसको कहते हैं? जब एक बस के अकॉर्डिंग एक सिंगल केबल से सारे कंप्यूटर्स, प्रिंटर, स्कैनर सब कुछ कनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। ओके, देन कम्स द रिंग टोपोलॉजी। अब देखो, नाम से पता पड़ रहा है रिंग, एक रिंग जैसा बना रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? डेटा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। ये देखो एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, फिर वापस राइट में आ रहा है, फिर लेफ्ट में जा रहा है, फिर वापस राइट में आ रहा है, फिर लेफ्ट में जा रहा है, दिखाई दे रहा है। तो डेटा ऐसे ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। ईच कंप्यूटर लुक्स एट डेटा टू डिसाइड वेदर इट इज़ इंटेंडेड फॉर इट और नॉट। अब इसमें क्या होगा? सारे कंप्यूटर के पास डेटा जाएगा। अब जिस कंप्यूटर का डेटा यूजेबल है जिसमें, वो तो उसको यूज़ कर लेगा, नहीं तो वो आगे पास हो जाएगा, ठीक है। तो नेटवर्क ऐसे चलता जाएगा, तो ये भी अनरिलायबल होता है। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात कि जब डेटा है वो पास टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, अगर हम लोग डेटा कंप्यूटर में यूज़ नहीं हुआ और हम पास करना आगे भूल गए या आगे पास फॉरवर्ड नहीं हुआ हमारा, तो क्या होगा? वो डेटा तो वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो सारा हमारा वर्क इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। एक वर्क स्टेशन ने आगे फॉरवर्ड करना अगर फेल हो गया, एक वर्क स्टेशन आगे, तो रिंग टोपोलॉजी आपको समझ में आया? रिंग टोपोलॉजी जो रिंग की तरह कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। अगर हमने एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे में ट्रांसफ़र करना अगर हम भूल जाते हैं या रोक लेते हैं, तो दूसरा जो वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन क्या होता है? जहाँ पे वर्क होता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड होता है उसको वर्क स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो अगर एक से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं किया या रह गया तो हमारा वर्क इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये रिंग टोपोलॉजी समझ में आ रही है सबको? देन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? स्टार की तरह, सारे नेम सजेस्ट कर रहे हैं, एक सिंगल हब होता है मेन, जिससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ये एक्सपेंसिव भी होता है, पर ये सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है। अगर मेन केबल ओनली वन वर्क अगर फेल भी हो जाती है, तो एक ही वर्क स्टेशन, क्योंकि सब मेन केबल से जुड़े हुए हैं, सारे कंप्यूटर्स मेन केबल से जुड़े हुए हैं, तो अगर एक मेन केबल खराब हुई तो एक ही कंप्यूटर इफेक्ट करेगा, सारे कंप्यूटर इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सर्वर कंप्यूटर रिक्वायर स्पेशल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू द सर्वर रिक्वायर टू हैव नेटवर्क सेटिंग।
जो भी कंप्यूटर इससे कनेक्ट है उसको उसके अंदर नेटवर्क सेटिंग होनी चाहिए और बाकी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो हम इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो थ्री टाइप्स के आपने टोपोलॉजी देख ली है, बस टोपोलॉजी, देन रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। नाउ इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, नेटवर्क के टाइटर सिक्योरिटी होती है क्योंकि वायरस आ जाता है। हम सबको पता है हमारा कभी कभी मोबाइल भी हैंग होने लग जाता है। तो क्यों हैंग होता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर लेते हैं तो उससे कुछ अनरिलायबल सोर्सेज भी हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं तो वो सब क्या होते हैं, वायरस होते हैं, ठीक है। और ये हमारे कंप्यूटर को हैंग कर देते हैं, हमारे मोबाइल को हैंग कर देते हैं, ठीक है। तो टाइट सिक्योरिटी चाहिए, एंटीवायरस प्रोग्राम चाहिए होता है, ठीक है। एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, नेटवर्क का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमें बार बार नेट का रिचार्ज कराना पड़ता है ना मोबाइल्स में भी, क्योंकि नेट अगर ख़त्म हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। आई होप आपको ये समझ में आया है और इसका PDF मैं आपको सेंड करूँगी जो आपको नोटबुक्स में नोट डाउन करना है। ऑल राइट, गुड बाय, गुड लक।